अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हैदराबादी तड़का। आज हम आपको जो है गोश्त की कड़ी, खट्टे की कड़ी बनाना सिखा रहे हैं। इंग्रेडिएंट्स को नोट करिए। ये देखिए, तीन मीडियम साइज़ के प्याज, आनियन काट लिया मैं, प्याज डाल देंगे। पूरी हंडी बना के आपको बताऊँगा, बहुत ईजी और बहुत ही वो बनने वाला डिलीशियस रहेंगी ये डिश। देखिए, मैं सीने का गोश्त डाल रहा हूँ इसके अंदर। सीने के गोश्त से बनाएंगे, डेढ़ किलो गोश्त है, मैं सीने का गोश्त डेढ़ किलो डाल रहा हूँ। अदरक लहसुन दो टेबल स्पून डालूँगा मैं। हल्दी डालूँगा एक टेबल स्पून। नमक जायके के हिसाब से डालूंगा मैं। ये सर्विस स्पून से मैं जो है एक वन स्पून डालूंगा रेड चिल्ली पाउडर। तेज पत्ता डालूंगा, हरी इलायची डालूंगा, दालचीनी। ये सर्विस उससे जो है ना, मैं एक टेबल डालूंगा चम्मच फूल भर के। धनिया पाउडर और जीरा पाउडर डालूंगा, हाफ स्पून डालूंगा, हाफ। मैं पानी डालूंगा इसके अंदर गलने के लिए, गोश्त गलने के लिए। हाफ मग डाल रहा हूँ पानी। गर्म मसाला डालूंगा होममेड, वन टेबल स्पून। ये पूरे मसाले अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। उसके बाद कुकर का ढक्कन लगा के इसको एक 5-6 सीटी हुए तक ढक्कन लगा के रखेंगे। और इसके अंदर हम अभी तेल डालेंगे, तेल वो भी ज़्यादा नहीं डालेंगे ऑयल, क्योंकि चिकना गोश्त है, इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे। चार से पाँच टेबल स्पून डाल रहा हूँ मैं, क्योंकि चिकना है, सीने का गोश्त है, इसके अंदर ज़्यादा जो है डालने से बहुत ज़्यादा चिकना हो जाएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। अभी मैं आगे आगे आपको इस डिश का नाम भी बताऊंगा, मैं क्या बना रहा हूँ। देखिए, 5-6 सीटी होने के बाद से हम इसका ढक्कन खोल दिए। अभी हम इसके अंदर टमाटर डालेंगे। टमाटर डाल के अच्छा भून के, जो है चार टमाटर डाला हूँ मीडियम साइज़ के मैं। इसको अच्छे से भुनने के बाद और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल को एक्टिवेट कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले नई जो भी डिश बनाऊं। और मेरी जो है हिम्मत अफजाई करिए आप लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसको गाढ़ा होने के लिए खुले चने की दाल पुटानों का पाउडर जो भुने हुए रहते हैं उसको डाल के हम पानी में मिक्स करेंगे उसको। ये इसके अंदर जो है राइस पाउडर भी डालेंगे, इसके चावल का आटा भी डालेंगे।
देखिए भिंडी में जो है आधा किलो भिंडी डाल रहा हूँ इसके अंदर। हैदराबाद की फेमस डिश बना रहा हूँ, सिखा रहा हूँ आपको, बहुत जल्द और शॉर्टकट में बनने वाली डिश है ये, और मज़ा आ जाएगा, उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे इंशाल्लाह ताला, बच्चों से लेके बड़ों तक बार बार यही बनाएंगे। आप लोग भी बनाते हैं, मगर ये हैदराबाद का खास है। अलग अलग अपने हर इंसान का जो है हाथ का जायका अलग अलग होता, इसको ज़रूर आप ट्राई करिए। मैं इसके अंदर पानी ज़रा थोड़ा सा और ऐड करूँगा ताकि भिंडी गलने के लिए, इसको मिक्स करके आप ढक्कन लगा के रखेंगे भिंडी गले तक। भिंडी गलने के बाद इसका बाकी क्या आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। देखिए अभी इमली का खट्टा डालेंगे, आपको जितना खट्टा होना है उसके हिसाब से ये हरी मिर्ची डालेंगे, साबित हरी मिर्ची 4-5 साबित हरी मिर्ची डालेंगे, डाल के इसको अच्छे से हिलाएंगे, और हमको पानी की ज़रूरत अगर पड़ेगी तो पानी इसमें ऐड करेंगे। और अभी हम इसके साथ साथ ये जवारी का वो उसका चावल का आटा और कुटा में पूरे चने की दाल उसका जो है पानी डालेंगे इसका। आपको जितना गाढ़ा होना अपने हिसाब से गाढ़ा करिए, इसके अंदर हम पानी थोड़ा सा शामिल करेंगे। देखिए कितनी गाढ़ी होना चाहिए, थोड़ा सा कोथमीर काट के रखा था मैं, कोथमीर डालूंगा, पुदीना नहीं डालूंगा, कोथमीर डालूंगा इसमें, और इसका मज़ा बस उंगलियां चाटते रह जाना बस। देखिए बन के रेडी हो गए हैं, माशाल्लाह खुशबू महक रही है, खाइए रोटी के साथ खुशके के साथ, मज़ा आएगा समझे आप, कल इससे और ज़्यादा मज़ा आएगा इसका। अब हम चूल्हा बुझा देंगे, डिश आउट करके आपको बताता हूँ मैं आपको। देखिए टेबल पे बन के आ चुकी है, बहुत शानदार खुशबू आ रही है माशाल्लाह, और इसको खाइए रोटी के साथ, तंदूर के साथ, सादे चावल के साथ, खट्टे की कड़ी अपने हैदराबाद की तो फेमस कड़ी है ये, और इसका तो जायका बहुत ही बाला रहेगा, और कल इसका मज़ा और शानदार आएगा। और इसको जो है ज़रूर ट्राई करिए, फीडबैक दीजिए, मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल को एक्टिवेट कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले जो भी मैं नई डिश बनाऊँ आप तक पहुँचे। और जो है इजाज़त दीजिए कुकिंग एक्सपर्ट्स आजी सैयद को, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थैंक्स फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड आल्सो एक्टिवेट बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट वीडियोस।